भारत के कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले में मलप्रभा नदी के तट पर स्थित एक ऐतिहासिक गांव, जो अपने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है। यह चालुक्य राजवंश द्वारा 7वीं और 8वीं शताब्दी में बने 9 हिंदू और 1 जैन मंदिर है, जिनमें द्रविड़ दक्षिण भारतीय तथा नागर उत्तर भारतीय दोनों शैलियां विकसित हुई है। कर्नाटका टूरिज्म KSTDC हम्पी बदामी टूर आज 4th एपिसोड में हम ऐहोले दुर्गा मंदिर और पट्टाडकल मल्लिकार्जुना टेंपल, विरूपाक्ष टेंपल और कई सारे मंदिरों को एक्सप्लोर करेंगे। ऐहोले का दुर्गा मंदिर, जो 7वीं से 8वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था, 7th सेंचुरी में बना हुआ यह मंदिर मूल रूप से सूर्य मंदिर था। 13वीं शताब्दी में जब हिंदू राज्यों और इस्लामी सल्तनतों के बीच युद्ध के दौरान इस मंदिर के ऊपर एक दुर्ग जैसी संरचना बनाई गई थी। इस मंदिर में शैव, वैष्णव, शाक्त और वैदिक देवी देवताओं के बड़े बड़े चित्र देखे जा सकते हैं। ऐहोले दुर्गा मंदिर पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। ऐहोले दुर्गा मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को साइट में भी शामिल किया गया है। दुर्गा मंदिर के चारों ओर जटिल जालीदारी खिड़कियां और सुंदर नक्काशी बनी हुई है। मंदिर मिथुन, गरुड़ पर विष्णु, हरिहर, महिषासुरमर्दिनी और मूर्तियों से बेहद खूबसूरत ढंग से सजा हुआ है। पट्टाडकल में 150 से ज़्यादा हिंदू, जैन और बौद्ध स्मारक है। ये स्मारक 4th सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी के बीच में बनाई गई है। पट्टाडकल, जिसका अर्थ होता है राज्याभिषेक का स्थान, चालुक्य वंश के दौरान राजाओं के राज्याभिषेक के लिए इस जगह को इस्तेमाल किया जाता था। पट्टाडकल मंदिर परिसर में बहुत सारे मंदिर हैं, जिनमें से 10 प्रमुख महत्वपूर्ण मंदिर हैं। इनमें से 9 शिव को समर्पित हिंदू मंदिर है और 1 जैन मंदिर है। यह सारे मंदिर एक परिसर में एक साथ मिलकर बने हुए हैं, जो चारों तरफ से बागीचों से घिरा हुआ है। यहाँ का सर्वश्रेष्ठ मंदिर विरूपाक्ष मंदिर, यहाँ पर एक ही मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर, जिसमें शिवजी की पूजा होती है। इसे महाराज विक्रमादित्य की पत्नी लोकमा देवी ने 7th सेंचुरी में अपने पति की कांची के पल्लव वंश पर विजय के स्मारक के रूप में बनवाया था। कांची, जिसे कांचीपुरम भी कहा जाता है, भारत के तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में स्थित एक नगर है। कांची हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। 4th शताब्दी में पल्लव राजवंशों ने कांचीपुरम में राज्य स्थापित किया और उन्होंने लगभग 600 वर्ष तमिल और तेलुगु क्षेत्र में राज्य किया था। विरूपाक्ष मंदिर भारत के सबसे प्राचीन और विशाल मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के बड़े हॉल में एक छत है, जो 16 विशाल वर्गाकार स्तंभों पर टिकी हुई है। विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र तीर्थस्थल है। मल्लिकार्जुना मंदिर, जो पहले त्रैलोकेश्वर के नाम से भी जाना जाता था, इसे रानी त्रैलोक्य महादेवी ने 7वीं शताब्दी में बनवाया था। यह मंदिर विरूपाक्ष मंदिर के बगल में बना है और दोनों मंदिरों को एक ही उद्देश्य से बनाया गया था।
मंदिर की आंतरिक दीवारों पर रामायण और महाभारत के प्रसंग उकेरे गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर संगमेश्वर मंदिर भी काफी आकर्षक है। यह मंदिर अधूरा है, इसे महाराज विजयादित्य चालुक्य राजवंश के राजा ने बनवाया था। रावण फाड़ी गुफाएं, यह गुफा ऐहोले के सबसे पुराने चट्टान काटे गए गुफा मंदिरों में से एक है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक क्षतिग्रस्त स्तंभ है और साथ में कई अन्य छोटे स्मारक भी देखे जा सकते हैं। इस परिसर में विरूपाक्ष और मल्लिकार्जुना मंदिर के साथ साथ आप कई और मंदिर देख सकते हैं, जैसे कड़ा सिद्धेश्वर मंदिर, जम्बू लिंगेश्वर मंदिर, गलनाथ मंदिर, चंद्रशेखर मंदिर, संगमेश्वर मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, त्रिलोकेश्वर मंदिर। पट्टाडकल में पुरानी कन्नड़ भाषा में कई शिलालेख पाए गए हैं, विशेष रूप से विरूपाक्ष, संगमेश्वर और पापनाथ मंदिर में। ये शिलालेख मंदिर के निर्माण और संचालन के लिए राजा विक्रमादित्य और विजयादित्य, उनका पुत्र, विभिन्न रानियों और अन्य लोगों द्वारा दिए गए अनुदानों के बारे में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस मंदिर के परिसर में पुरातत्व संग्रहालय, जिसे 1987 में एक पूर्ण संग्रहालय के रूप में स्थापित किया गया। 6 सेंचुरी से लेके 15 सेंचुरी तक पुरावशेषों में 145 संग्रहालय के अंदर और बाकी खुली हवा वाली गैलरी में प्रदर्शित किया हुआ है। आज हमने कर्नाटका टूरिज्म के एसटीडीसी हम्पी बादामी सेकेंड डे फोर्थ एपिसोड में ऐहोले पट्टाडकल टेम्पल्स को एक्सप्लोर किया। KSTDC हम्पी बादामी बीजापुर थर्ड डे फिफ्थ एपिसोड में हम बीजापुर विजयपुरा को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ के मेजर मॉन्यूमेंट्स और टूरिस्ट अट्रैक्शंस बारा कमान, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, गोल गुंबज, जामिया मस्जिद, इब्राहिम रोज़ा, ऊपरी बुर्ज और बिग कैनन को एक्सप्लोर करेंगे।